हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है उन बिगनर्स के लिए जो कि एम्ब्रॉयडरी मशीन से मिरर तो लगाना चाहते हैं पर मिरर नहीं लगाते इस डर से कि नीडल क्या है कि मिरर पे गिर जाता है और उंगली में भी लगने का उन्हें डर रहता है। तो ये देख सकते हैं आप, अलग अलग डिफरेंट शेप के हमने यहाँ पर मिरर लिए हैं जो कि आपको इस वीडियो में ऐसे स्टिच टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप नए से नए भी हैं तो भी आप मिरर लगाना सीख जाएंगे बहुत जल्द, और जो कॉन्फिडेंस अभी तक आपके पास नहीं है मिरर लगाने का, वो कॉन्फिडेंस इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आ जाएगा। तो दोस्तों, मिरर लगाने से पहले सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन की मदद से आप उस प्रैक्टिस को करेंगे जो प्रैक्टिस आपको मिरर लगाने से पहले सीखनी होगी। तो देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन पर हम जो शेप में प्रैक्टिस करने वाले हैं, पहले आप मिरर देख लें कि इस शेप का इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप चाहें तो इस लाइन के सेंटर से मिरर के शेप का पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। इसी पैटर्न को अगर आप चाहें तो खाका बना के आप ट्रेसिंग पेपर पे छाप के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें साइज का कोई मैटर नहीं है। साइज छोटा हो या बड़ा हो, शेप जो है आपका एक होना चाहिए। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर मिरर के शेप के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले आप इसको देख लें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसको फिलअप करना है। तो ये हमारी पहली प्रैक्टिस है जो कि मिरर के शेप की है, और इसको पूरा फिलअप करना है। और इसको फिलअप करने के टाइम हमें क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि जब हम इसका मूवमेंट करवा रहे हैं, फिलअप का मूवमेंट जो है, आप देखें किस तरह से ज़ीरो नंबर से ये 4 नंबर तक ब्रेक को ले जानी है, और फिर उसको धीरे धीरे करके डाउन करना है। और ये बिल्कुल मिरर के शेप में, जैसे कि मिरर है आपका, उसी के शेप में इस पैटर्न को बनाना है। तो आप अभी धागे से इसको बनाएंगे, तो जैसे कि आप जब मिरर लगाने जाएंगे तो आपको इसी शेप में आप अपने मशीन के ब्रेक को मूव कर पाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस पहले कर लेंगे तो आपको बाद में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये प्रैक्टिस करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, इस तरीके से पूरा इसको एक ही शेप में, साइज आप छोटा बड़ा कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपका जो शेप है मिरर शेप में ही इस प्रैक्टिस को धागे से करना है, ठीक है। अब हम जो अगली इसकी जो प्रैक्टिस है वो एक्चुअल में जैसे मिरर लगाया जाता है उस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसमें क्या है कि ब्लैंक रखना है। देखिए, यहाँ पर मिरर के पॉइंट पर एक तरफ लॉक कर दिए और ये दूसरी तरफ मिरर के पॉइंट पे लॉक कर दिए, और इसी स्टिच से जो है कि हम मिरर को लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ से हम कैसे लॉक कर दिए, और इस मिरर के जो शेप का है ये सेम उसी का मैंने आपको डेमो करके दिखाया जो कि ब्लैंक में है। देखिए, एग्जांपल के तौर पे अगर आप बाइक अगर किसी भीड़ में चला के सीखेंगे तो ऐसे ठुक जाएगी, और उसी बाइक को जब आप खाली रोड पर सीखेंगे तो बिंदास सीख पाएंगे। तो यहाँ आप ध्यान दें कि किस तरीके से मैं स्टिच को कम से ज़्यादा कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ज़ीरो नंबर से आप 3 नंबर ले जाके फिर बैक आपको लेना है, और इसी तरीके से नीचे भी जब आप मिरर में लॉक करने जाएंगे तो उसमें भी ऐसे ही आपको सेम स्टिच अप और बैक रखना है। तो चलिए, इस स्टिच को भी रनिंग हैबिट के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इसको आप अनलिमिटेड करें, जितना हो सके आपसे उतना प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ आपके प्रैक्टिस की बात हो रही है, और आगे आपको मिरर को किस तरीके से फैब्रिक पे रखना है, किस तरीके से उंगली उसके ऊपर जमाना है, ये सब आपको आगे वीडियो में देखने और सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी पहली प्रैक्टिस कम्प्लीट होती है, और अब दूसरे शेप मिरर के लिए हम दूसरी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट मिरर में जो था वो शेप कॉर्नर था और इसमें राउंड है, तो इसी राउंड शेप के अकॉर्डिंग हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे। और मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो है आप खाका बना लें, ट्रेसिंग पेपर के ज़रिए आप इसको छाप लें, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आपको आसान होगा। तो ये जो स्टिच आप देख रहे हैं ये सिंपल एक एम्ब्रॉयडरी की पत्ती है, और उसी के शेप का मिरर है। इसके लिए हमें पत्ती के जैसा इसको बनाते जाना है, और साथ साथ में इसको आउटिंग करते रहनी है। और ये तो बेसिक स्टिच में आता है जो कि मोस्टली लोगों को ये पत्ती बनाना आता ही है,
अगर आपको नहीं आता है तो इस पर मैंने ऑलरेडी बेसिक स्टिच और बाकी बेसिक वर्क पे मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ से देखें और सीखें। अभी इसमें भी आपको मिरर के शेप के अकॉर्डिंग लॉकर सीखना है, इसका मिरर को कैसे लॉक किया जाता है, जो आप उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि आपने पहले वाले मिरर के कॉर्नर वाले मिरर पे आपने प्रैक्टिस किया था। देखिए इस तरीके से आप ऊपर और नीचे लॉक करके इसको राउंड शेप में एक आउटिंग दे देंगे। और ये ब्लैंक मिरर वर्क आप समझ लीजिए पहले आप कर रहे हैं, और इसी तरीके से आप जब मिरर लगाएंगे तो लॉक करना रहता है, तो आप इसके लिए ये प्रैक्टिस पहले कर लेंगे तो जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप मिरर लगाने से पहले वो आपके अंदर हो जाएगा, उसके बाद आप मिरर लगाना शुरू करेंगे। और आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मिरर आपको अगर इजी तरीके से लगाना हो तो कैसे लगाएं, तो बस वीडियो पे आप बने रहें एंड तक। तो ये हमारी राउंड शेप की प्रैक्टिस भी कंप्लीट होती है, और ये दो जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस थे वो आपने फाइनल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद देखिए ट्रायंगल मिरर, जो इसमें क्या होता है कि आपको इसी प्रैक्टिस के ज़रिए आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए कोई अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। और ये जो स्क्वायर मिरर है इसमें भी आपको इसी के अकॉर्डिंग ही आपको फिक्स करना होता है, क्योंकि जो उसमें स्टिच आपने लगाया हुआ है वही स्टिच इस कॉर्नर पे सेट करना होता है, तो इसके लिए भी आप बेफिक्र रहें। तो दोस्तों हमने अब तक प्रैक्टिस के बारे में बताया, और अब जो है कि आपको मिरर कैसे सेट करना है नीडल से और मशीन चला के उसको आप देखेंगे, और इसके भी तरीके होते हैं। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए एक तरीका ऐसा भी है जो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, उसके लिए आपको ग्लू का यूज़ करना होगा जो कि आपको शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और ये तो कौन है, बाकी आपको ट्यूब में भी मिल जाएंगे। तो इसको फैब्रिक के ऊपर आप थोड़ा सा ग्लू निकाल दें और उसके ऊपर मिरर सिंपली ऐसे रख के इसको चिपका देंगे, और दो मिनट में ये फिक्स हो जाता है फैब्रिक के ऊपर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम मिरर लगाते हैं तो सबसे पहले हमें उंगलियों का भी ध्यान देना होता है कि कैसे उसको हम फैब्रिक पे जमा के रखना है। तो देखिए किस तरीके से इसको उंगली से इसको दबा के रखेंगे, और उसके बाद नीडल मिरर के पॉइंट की तरफ ऊपर के साइड में गिराना है, फिर आपको बताए गए प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग नीडल को मिरर के ऊपरी पॉइंट से 0 नंबर से 3 नंबर तक लेके जाना है, फिर वापस उसको बैक लेके आना है पॉइंट तक। और फिर और इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होगा कि मिरर जो है निकलना नहीं चाहिए पहले लॉक से, तो उंगली से भी हल्का टच करके रखेंगे जब तक लॉक ना कर दें। तो इस तरीके से लॉक कर दिए और ये फिक्स हो गया। तो अगर ईजी तरीके से आप लगाना चाहें तो आप जो है कि इसको पहले चिपका लें फैब्रिक के ऊपर, तो आपको काफ़ी इजी रहेगा। तो इसी तरीके से अब आप मिरर को सेट करेंगे ऊपर लॉक और नीचे लॉक, और प्रैक्टिस हमने पहले ऑलरेडी बताई है, बस वही पॉइंट आपको माइंड में सेट करना है किस तरीके से इसको इसके शेप के अकॉर्डिंग इसको कपड़े पे फिक्स करना है। तो चलिए इसको फटाफट हम इसी तरीके से फिक्स कर ले रहे हैं। तो अब हम राउंड शेप वाले मिरर को फिक्स करेंगे जो कि पहले पॉइंट था मिरर में, अब इसमें राउंड है, तो इस शेप के अकॉर्डिंग आप जैसे आपने प्रैक्टिस की है उसी तरीके से इसको भी लॉक करना है। और जब आप एक बार प्रैक्टिस में अपनी हैबिट बना लेंगे तो आपको किसी भी तरह का मिरर होगा तो लगाने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आप प्रैक्टिस पे फोकस करें अगर आप बिगिनर्स हैं तो, बाकी जब आप इंटरमीडिएट वर्क में मतलब कुछ प्रो हो जाएंगे एम्ब्रॉयडरी में तो आपको ये सब जो है कि प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो आप अपने एम्ब्रॉयडरी एक्सपीरियंस के बेस पे भी कर लेंगे। तो अगले जो दो मिरर बच रहे हैं उनको आप पिछले जो आपने प्रैक्टिस की है उसी के अकॉर्डिंग आप इनको भी लगा पाएंगे, बस इसमें उंगलियों का ध्यान रखें किस तरीके से कब रखें। देखिए सबसे पहले आप एक लॉक कर लेने के बाद इसको फ्री छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप बारी बारी से दोनों पॉइंट पे लॉक कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, बस ऐसे ही आपको लॉक करते जाना है एक पॉइंट, और बस यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि तीनों पॉइंट पे एक बराबर सा धागा आप उस पर फिलअप करवाएंगे, यानी कि
मिरर पे चढ़ाएंगे। देखिए तभी आपका जो मिरर का फिनिशिंग और लुक वाइज आपको दिखने में वो अच्छा दिखेगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप एक पे चढ़ा रहे हैं उसी तरीके से तीनों पे आपको धागे को चढ़ाना है। तो इस तरह से आप ट्रायंगल मिरर वर्क लगा सकते हैं और जो स्क्वायर साइज का मिरर है इसको भी आप इसी पॉइंट के ज़रिए सेट कर पाएंगे और काफ़ी इजी है। और जैसे कि आपने फर्स्ट वाली मिरर फिक्स किए हैं कपड़े पे उसी तरीके से इसको भी फिक्स करना है। तो आई होप कि ये वीडियो देख लेने के बाद आप मिरर वर्क ज़रूर कर पाएंगे और वीडियो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।